हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने की कोशिश करेंगे ना कि बहुत सारे कॉल आ रहे थे, ऐसे तो हम लोग क्रेडिट कार्ड के बहुत धुर विरोधी हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा अपना टॉपिक चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि क्या है कि हम एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है और हमें यूज़र के हिसाब से वीडियो बनाना है, रादर कि हम कुछ पहले से कुछ डिसाइड करें। तो आज मेरे साथ मेरे मित्र हैं सुयश पांडे जी, और ये पहले भी हमारे साथ वीडियो में रह चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बैंक के सेक्टर से आते हैं और क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, उन सब का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास, इवन म्यूचुअल फंड के भी अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, हाँ सही सुना, क्रेडिट कार्ड की हम बात करने वाले हैं, जो कि हमने पीछे बहुत क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत चीज़ें बोली हैं, लेकिन क्या करें, यूज़र ने पूछा तो हमें जवाब देना है कि क्रेडिट कार्ड बनाते समय कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, आप अगर वीडियो देखें तो बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं कि क्रेडिट कार्ड कैसे बनाएं, क्या करें, नहीं करें। कोई ये नहीं बात करता है कि जब आप बनाने जा रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना चाहिए। तो सुरेश, आप मुझे ये बताएं कि जब मैं अगर क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो मुझे ध्यान रखने चाहिए कि मेरा क्रेडिट कार्ड बन जाए। हेलो फ्रेंड, जैसा भी हमने डिस्कस किया कि हमने पहले भी क्रेडिट कार्ड पे वीडियोस बना चुके हैं और हमने नॉर्मली ये बोला है कि क्रेडिट कार्ड अवॉइड करना चाहिए, यूज ना करें, सही बात है। आज भी हम इस चीज़ को बिल्कुल ऊपर रखते हैं कि कोशिश कीजिए कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ ना करना पड़े, लेकिन क्योंकि आज का यंग जनरेशन का ये बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है क्रेडिट कार्ड का, वो बहुत क्वेरीज करते हैं कि क्रेडिट कार्ड कैसे बनता है और हमें कैसे इसको यूज़ करना चाहिए। उसमें भी जो सबसे ज्यादा क्वेरी आ रही है हमारे पास कि लोग कह रहे हैं कि हमारा रिजेक्ट हो जा रहा है। यस बिल्कुल, उसको लेके हम ये नहीं बना रहे कि आप देखिए वीडियो करने के लिए आप गूगल जाए कर ले, वहाँ पता चल जाए क्या रिक्वायरमेंट। हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका रिजेक्ट हो रहा है तो आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, बेसिकली क्रेडिट कार्ड कोई भी बैंक अगर किसी कस्टमर के लिए बनाता है तो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है जिसका वो ध्यान रखता है। पहली बात, आप किस सैलरी ग्रेड में, ठीक है। नॉर्मली बैंक हमेशा प्रेफर करता है कि आपकी सैलरी मोर देन 30,000 होना चाहिए। ये एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया है कि सैलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप माल रखते हैं तभी माल दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। एक्चुअली बैंक का ये मानना है कि अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो ही फिर आप रिटर्न भी कर पाएंगे सही बात पैसे को। दूसरा क्राइटेरिया बैंक ये देखती है क्रेडिट कार्ड बनाते टाइम पे, आप किस कंपनी में जॉब करते हैं, कंपनी प्रोफाइल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई छोटी मोटी कंपनी में आप जॉब करते हैं, भले आपकी सैलरी ज़्यादा हो लेकिन कंपनी प्रोफाइल कैसी है, उसका विंटेज क्या है। ऐसा तो नहीं कंपनी बंद हो जाएगी दो चार साल के बाद, तो बैंक ये भी देखता है। नहीं तो उसमें देखा गया है कि जैसे मैं कोई कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, बड़ी कंपनी में देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड तो ऐसे ही बन जाता है। बिल्कुल, उनमें मुझे लगता है कि ना सिविल चेक होता है ना डॉक्यूमेंट चेक होता है, मतलब होता होगा बट लेकिन बहुत आसानी से बन जाती है। मैं कुछ एमएनसी को देखता हूँ कि वहां पे HSBC बैठी हुई है, मतलब आप ज्वाइन करें आपको क्रेडिट कार्ड साथ के साथ जैसे ज्वाइनिंग और लेटर मिलता है, आपको क्रेडिट कार्ड वैसे मिलता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली हर बैंक का अपने क्राइटेरिया है, एक कंपनी के लिस्ट है उनके पास जिसे वो लिस्टेड कंपनी बुलाते हैं। वो इंडिया के जो बेहतरीन कंपनीज होती हैं वो उनके लिस्ट में एम्पैनल्ड होती हैं और उन कंपनीज के एम्प्लॉइज को वो, जैसा कि आपने कहा कि बहुत आसानी से क्रेडिट कार्ड उन्हें वो प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो यूजर अगर अच्छी कंपनी में काम करते हैं तो उनको कोई परेशानी की दिक्कत बिल्कुल नहीं है, उनका बहुत आसानी से क्रेडिट कार्ड बनता है। अब सिविल पे बात करते हैं कि सिविल क्या होना चाहिए, क्या आपको क्या लगता है, क्या स्कोर जनरली रहे तो आपका हो जाता है। देखिए, सिविल में क्या होता है, दो बातें होती है। एक बात हो, सिविल नहीं होना भी नेगेटिव पॉइंट है क्रेडिट कार्ड बनाने अच्छा। के बिल्कुल सिविल मैंडेटरी है, हर बैंक ये देखती है कि आपका सिविल है या नहीं है और सिविल का ट्रैक क्या है। बिल्कुल, वो जरूर देखती है ये बात, ठीक है। दूसरा, अगर आपका सिविल है तो सिविल स्कोर आपका क्या है, वो एटलीस्ट आपका 700 होना चाहिए। ये लोगों को नहीं पता होता है, लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका सिविल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, 700 स्कोर जरूर होना चाहिए आपका जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तो। चलिए, यानी कि दो पॉइंट। और तीसरे पॉइंट मुझे ये बताएं कि एड्रेस को भी लेके बड़ी इशू होती है कि मैं अपने यहाँ देखता हूँ कि कुछ हमारे जो लोग हैं वो, मैं उसको क्या बोलूँ, निगेटिव एरिया बोलूँ या लाल डोरा बोलूँ, आई डोंट नो, बैंक उसको निगेटिव एरिया बोलता है, उनको भी नहीं बनाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे बैंक के लिए बैंक में एम्पैनल लिस्ट हैं फॉर गुड कंपनी, उसी तरीके से बैंक किसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए वो नेगेटिव एरिया का भी उनका अपने पास लिस्ट होता है, हर बैंक का, हर अक्रॉस द कंट्री। तो वो उन एरिया स्पेसिफिक के रेसिडेंट्स को अवॉइड करता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बनाएगा लेकिन वो अवॉइड करता है। अगर वो उनका बनाता है तो अगर उनका क्लाइंट बाकी पैरामीटर्स पर फिट बैठते हैं, अगर वो अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सैलरी अच्छी है, तो बनाते हैं, लेकिन बैंक अवॉइड करता है नेगेटिव एड्रेस पे
क्रेडिट कार्ड बनाना। ओके, उसके अलावा और क्या क्या पॉइंट है जो कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए जब हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाते हैं? देखिए, अगर इसमें नॉर्मल बात किया जाए तो बिल्कुल सबसे पहली बात यह है कि क्रेडिट कार्ड आप अवॉइड कीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप बनाते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप उसे स्मार्टली यूज़ कीजिए। स्मार्टली यूज़ का मतलब क्या होता है? क्रेडिट कार्ड आपको एक ऐसा लोन देता है जो एक फिक्स पीरियड के लिए इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है। आप सब यही तो ट्रैप है। यस, यही तो ट्रैप है वो, मतलब मैं इसको एक डेविड रैमसे है वो इसको दूसरी तरह से कहते हैं कि सिगरेट के ऊपर वार्निंग होता है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, लेकिन अगर कोई सिगरेट पी रहा है उसको कैंसर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिगरेट इंजूरियस नहीं है। सिगरेट इंजूरियस है भाई। ये वो क्रेडिट कार्ड के साथ इस एड को जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये इसको आप मानिए नहीं, मैं ये कैंसर है, आपको नहीं हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम है, आप बच रहे भगवान की कृपा है, अदरवाइज ये है कैंसर। तभी तो हमने कहा कि आप क्रेडिट कार्ड अवॉइड कीजिए ना, आपको यूज करना पड़े वो ज्यादा बेहतर है। और पेमेंट का क्या है? पेमेंट देखिए, इसमें मैक्सिमम 45 अगर मैं पहले से यूज कर रहा हूँ तो मुझे पेमेंट पे भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर मुझे नया क्रेडिट कार्ड बनाना है तो? हाँ, तभी तो आपका सिविल इंप्रूव होगा ना। अगर आप विद इन स्पेसिफाइड टाइम अगर पेमेंट करते हैं तो आपका सिविल इंप्रूव होगा, नहीं करते हैं तो आपका सिविल खराब होगा। 45 डेज का मैक्सिमम टाइम देती है एक क्रेडिट कार्ड, जो कि आप वो उसको स्पेसिफाइड टाइम कहते हैं। विद इन 45 डेज अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको कोई लेट पेमेंट चार्ज नहीं है, उसके बाद बहुत हेवी चार्जेस हैं। 40% का ज्यादा नहीं है? यस यस, अप्रॉक्सीमेटली 4% पर मंथ। तो मोटा मोटी क्रेडिट कार्ड का तो बहुत ध्यान रखिएगा। हम अच्छी इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं लेकिन बुरी इन्फॉर्मेशन साथ के साथ बता रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम है कि हम आपको अवेयर करें। हाँ, इसके अलावा और कोई पॉइंट जो कि अगर मैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करता हूँ तो मुझे ध्यान रखना चाहिए? नहीं, जनरली हमने मोटा मोटी सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया कि क्लाइंट को किस तरीके, पहले तो आप अवॉइड कीजिए, अगर फिर भी आप बनाते हैं तो किस तरीके से यूज़ कीजिए, अगर आपको अपना कार्ड बनाना है तो क्या क्या उसके बेसिक नॉर्म्स हैं, क्या क्राइटेरिया हैं, हमने ओवरऑल सारी चीज़ें कवर कर दिए हैं इसमें। चलिए, तो आज के वीडियो में हमने ये कोशिश की ये क्रेडिट कार्ड बनाने की कि क्रेडिट कार्ड कैसे बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखें। अगर इसके अलावा अगर आपको क्रेडिट कार्ड बनाने में कोई परेशानी हो सकती है तो हम लोग भी थोड़ी बहुत आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली NCR में हैं तभी, बाहर के हैं तब तो हमारे लिए भी परेशानी है, लेकिन अगर आप दिल्ली NCR में और किसी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो सुरेश हमारे जो मित्र हैं शायद आपकी कुछ मदद करें। कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं, हम आपसे फिर कनेक्ट होकर आपकी इशू को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपका सिविल खराब है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं। साथ के साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और हम फायर टीवी और उसके अलावा ऐप स्टोर भी अवेलेबल, तो आप वहाँ पर भी जाके हमारे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, और हमारा इस तरह की अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछते रहें। हम सुरेश और भी हमारी जो टीम है काफ़ी लोग अब आ चुके हैं, हम उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।